लाल जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, श्री महाकालेश्वर बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री डेरी वाले बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन, श्री रामायण में श्री भागवत पुराण महापुराणों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री लाल बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन, आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। शिव भगवान की कथा शुरू करने से पहले आइए सभी शिव भगवान की महास्तुति।
कोटि ब्रह्मांड के नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी, गुरु श्री हनुमंत लाल जी के परम पावन सानिध्य में उनकी ही कृपा से श्री भगवान की कथा का की कथा कानों के द्वारा श्रवण कर आत्मा जहाँ मिलते हैं वहाँ श्री भगवान की कथा शुरू होती है। तो प्रयागराज में हर बार ही कुंभ का मेला लगता है, मैंने छोटा वाला तो लग ही जाता है, हर माघ के महीने में एक महीने का कुंभ तो प्रयाग में हो ही जाता है। और वैसे दो कुंभ लगते हैं, एक अर्ध कुंभ एक 12 वर्ष का कुंभ रहता है, परंतु वैसे अगर देखा जाए तो एक महीने का कुंभ तो हर वर्ष ही प्रयाग में लग जाता है। तो यहाँ पर भी प्रयागराज में कुंभ का महीना था, सारे संत महात्मा लोग आए, कोई धर्म की चर्चा करते हैं, कोई ज्ञान का निरूपण करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई पूजन करते हैं। इस पर गोस्वामी जी ने एक सुंदर दृश्य देखा है, भरी द्वाज मुनि बसही करते हैं। और स्वभाव कैसा है कि बहुत बड़े तपस्वी संत हैं, लेकिन इतना सहज इतना सरल स्वभाव है ऋषिवर का। ऐसा कहा जाता है कि जो जितना बड़ा तपस्वी होता है, जितना बड़ा जो ज्यादा उपवास करता है, उसके अंदर क्रोध भी बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर महर्षि भरद्वाज जी बहुत बड़े तपस्वी है, उपासना करते हैं, लेकिन फिर भी ऋषि के मन में क्रोध नहीं रहता है। बिल्कुल सहज और सरल स्वभाव श्री महर्षि भरद्वाज जी का है। तो प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम है, एक महीने का कुंभ लगा हुआ है, सारे साधु महात्मा आते हैं और उसके बाद में एक महीने तक कोई कथा कहता है, कोई धर्म यज्ञ कर रहा है, कोई धर्म की चर्चा कर रहा है, कोई ज्ञान की चर्चा कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। एक महीने के बाद में जब सारे लोग जाने लगते हैं, कुंभ हो गया, सब लोग विदाई ले रहे हैं, तो श्री याज्ञवल्क्य जी ने श्री भरद्वाज ऋषि जी के चरण पकड़े और कहा, ऋषिवर आप नहीं जा सकते। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ करके कहा कि ऋषिवर आप अभी नहीं जा सकते। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता, एक महीने तक का जो है यहाँ पर मैं रहा हूँ, तब तो मुझे जाना चाहिए। तो भरद्वाज जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे मेरे मन के कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रश्न बहुत दिन से मेरे मन में है, लेकिन मुझे एकांत स्थान नहीं मिला, एकांत जगह नहीं मिली, इसीलिए मैंने अभी तक पूछा नहीं है, तो मैं अब आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि एक महीने तक मैं आपके घर पर था, तब तक क्यों नहीं पूछा। तो भरद्वाज जी ने कहा कि कोई गुप्त संवाद करना है, अगर सीक्रेट चीज पूछना है तो फिर अकेले में पूछना चाहिए, भक्ति के बारे में अगर पूछना है तो संतों से अकेले में पूछना चाहिए। तो महर्षि भरद्वाज जी ने कहा कि मेरे मन में
प्रश्न ही ऐसे हैं कि मैं आपसे अकेले में ही पूछना चाहता हूँ। तो याग्वल के जी ने कहा कि ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो पहले कहा कि मैं ऐसे नहीं पूछूंगा, आप पहले वटवृक्ष के नीचे बैठी है। क्यों? बोले आपको देखो, रामायण के जितने भी वक्ता है, चार वक्ता है और चार ही श्रोता है, और चारों वक्ता किस पेड़ के नीचे बैठते हैं? वटवृक्ष के नीचे बैठ करके कथा को कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वक्ता लोग भी वटवृक्ष के नीचे बैठे विश्वास के नीचे, और श्रोता भी विश्वास के नीचे बैठे, तब जाकर के भगवान की कथा कहने वाला कहता है, सुनने वाला सुनता है। तो याग्वल के जी को वटवृक्ष के नीचे बैठाया, चरणों का प्रक्षालन करवाया, और उसके बाद में याग्वल के जी से पूछा कि आप बताइए ऋषिवर, कि मैं श्री राम के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, अभी तक मैं श्री राम को नहीं जान पाया हूँ। एक श्री राम वो है जिसने संसार को बनाया, एक श्री राम वो है जो संसार को बना करके भी संसार से परे है, बाहर है। एक श्री राम वो है जो चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज दशरथ जी के लाल है। एक श्री राम वो भी है जिनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। क्या जानते हो? बोले नारी के विरह में वो रोए भी बहुत है, और क्रोध आया तो उन्होंने रावण को जला करके राख भी कर दिया है। तो वो श्री राम को मैं भी जानता हूँ। और एक श्री राम वो भी है जिनको दिन रात भगवान शिव जी अपने हृदय में जपते रहते हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे राम एक ही राम है कि अलग अलग राम है। मैं श्री राम के बारे में जानना चाहता हूँ। एक श्री राम जिसके द्वारा जगत का पसारा होता है, संसार बनता है, एक श्री राम वो जो जगत से परे है। तो मैं श्री राम के बारे में जानना चाहता हूँ कि श्री राम कौन है। तो याग्वल के जी ध्यान से देख रहे हैं भरद्वाज जी को, और ध्यान से देखा, और याग्वल के जी ने मन ही मन में कहा कि प्रयागराज और त्रिवेणी के संगम में रहने वाले, हजार वर्ष साधना करने वाला संत अभी तक श्री राम के बारे में नहीं जाना है, ये बात सत्य नहीं है। आप श्री राम के बारे में तो जानते हो, लेकिन आप श्री राम कथा को सुनना चाहते हो। श्री राम के बारे में तो जानते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा है, बहाने से श्री राम कथा आपने पूछी है। तो ऋषिवर ने कहा, याग्वल के जी ने मन ही मन में कहा कि आप श्री राम के बारे में तो जानते हो, लेकिन श्री राम कथा को सुनना चाहते हो, इसलिए सीधा प्रश्न अगर आपने नहीं किया है तो मैं भी आपको सीधा उत्तर नहीं दूंगा। आपने गोल गोल घुमाई है बात को, तो मैं भी गोल गोल घुमाता ही हूँ। तो याग्वल के जी ने कहा कि आप श्री राम के बारे में नहीं, श्री राम कथा को सुनना चाहते हो, इसलिए आपने प्रश्न किया है। तो ऋषिवर ने कहा कि ठीक है, मैं भी शुरू करता हूँ। याग्वल के जी ने कहा कि आपने जो प्रश्न मुझसे किए हैं, ये प्रश्न पहले भी कोई किसी से कर चुका है, और इसका उत्तर पहले भी कोई किसी को दे चुका है, मुझे तो केवल वही प्रश्न का उत्तर दोहराना है। तो याग्वल के जी ने शुरू की है, भरद्वाज जी ने पूछिए श्री राम कथा, और याग्वल के जी ने शुरू की है भगवान श्री महादेव जी की कथा। इनका कहना है कि जिनको भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम नहीं होता है, वो श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं कर सकता। जिनको भगवान शिव जी की कथा अच्छी नहीं लगती है, उसको श्री राम कथा अच्छी लगी नहीं सकती है। तो इसीलिए ऋषिवर ने शुरू किया है, पूछा है श्री राम कथा, और शुरू कर रहे हैं क्या? एक बार Hey, hey, hey.
बार त्रेता का समय था और उस समय भगवान श्री महादेव जी श्री माँ सती के साथ में कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं। कहाँ पर? पृथ्वी पर, संसार में। भगवान श्री महादेव जी का स्थान कितना ऊंचा है? कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी का स्थान है, लेकिन इतनी ऊंचाई से उतर करके दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त जी के आश्रम में श्री महादेव जी कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं। अब अगस्त ऋषि जी का प्रागट्य घड़े से हुआ है, इसलिए इनका एक नाम कुंभज ऋषि भी पड़ा हुआ है। अगस्त ऋषि जी के आश्रम में श्री माँ सती और भगवान शिव जी दोनों जैसे ही आते हैं तो आश्रम में प्रवेश करते हैं, जैसे दूर से देखा अगस्त ऋषि जी ने कि आज मेरे आश्रम में भगवान श्री महादेव जी सती जी के साथ में आ रहे हैं, तो इतने प्रसन्न हो गए, हाथ में थाली लेकर के दौड़ करके आरती करने के लिए गेट पर पहुंच जाते हैं और शिव जी की वहीं पर आरती उतारते हैं, पूजन वंदन किया है और आदर सहित भगवान शिव जी को लेकर के आश्रम में आते हैं। आश्रम में लेने लेकर के आ गए, उसके बाद भी पूजा पाठ इनका जारी है। तो भगवान श्री महादेव जी इस पूजा का इतना सुंदर अर्थ लगा रहे हैं कि देखो ये वक्ता कितना महान है जो हमारे चरणों की पूजा कर रहा है। नियम तो ये है कि वक्ता की पूजा श्रोता करे, लेकिन यहाँ पर शिव जी की पूजा महर्षि अगस्त जी कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने तो सुंदर अर्थ लगाया कि देखो महात्मा कितना महान है जो हमारी पूजा करने कर रहा है, जबकि हम तो श्रोता बन करके आए हैं, परंतु ये हमारी पूजा कर रहे हैं, तो कितने महान है। तो भगवान शिव जी ने तो इस दृश्य का सुंदर अर्थ लगाया, लेकिन साथ में जो मैया थी ना, मैया ने पूरा उल्टा अर्थ लगाया कि हमारी पूजा कर रहा है, इसका मतलब इसको कथा बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर थोड़ी बहुत भी आती तो ये थोड़ा वीआईपी ढंग से रहता, थोड़ा नखरे दिखाता, लेकिन ये तो इतना सरल हो गया है, इतना सरल हो गया कि हमारे भगवान की पूजा कर रहा है, इसका मतलब इसको कथा करना नहीं आती है। कथा शुरू नहीं हुई है, कथा में अभी केवल बैठना है, बैठे ही है, और माँ ने पंडाल में घुसने से पहले ही मन में अहंकार तर्क वितर्क की बुद्धि मन में लगा ली कि ये क्या कथा कहेगा, इसको कोई कथा वथा नहीं आती है। तो मन में अहंकार को पहले ही बैठाया और कथा में मैया बाद में बैठी है। और नियम क्या है कि मंदिर में जिस तरह आए तो जूते जो बाहर करते हो, उसी तरह अहंकार और तर्क वितर्क वाली जो बुद्धि है उसको बाहर ही उतार करके अगर आकर के बैठे तब कथा पूरी समझ में आती है। हकीक बात है, यहाँ से जाने के बाद में वो तो जैसे जूते साथ में हो जाते हैं, वैसे ही अहंकार और तर्क वितर्क भी साथ में हो जाता है, लेकिन कम से कम कथा में बैठे उतनी देर हृदय को खाली करके बैठे ताकि जो भी प्रसंग जैसा भी हो पूरा समझ में आए और भगवान की कथा हृदय में बैठे। का इसको कोई कथा वथा नहीं आती है भैया, लेकिन अब श्रीमान जी बैठे हैं तो बैठना तो पड़ेगा। अब भगवान शिव जी आसन लगा करके बैठ गए कि ऋषिवर कथा को शुरू करेंगे। तो भगवान श्री महादेव जी ऋषिवर को देख रहे हैं और संत ने कथा को शुरू किया है। पूरी कथा सुनते सुनते भगवान शिव जी इतने मगन हो गए हैं, इतने भाव से भर गए हैं, श्री राम कथा सुनते जा रहे हैं, हृदय में श्री प्रभु के दर्शन करते जा रहे हैं। पूरी कथा श्रवण कर ली उसके बाद में भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के मन में सोचा कि ऋषिवर ने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, भोले बाबा ने सोचा कि मांगे तब हम इन्हें इनके अनुरूप कथा दक्षिणा प्रदान करें। पर महर्षि के मन में भाव जगा कि शिव जी के पास में वो भंडारा है जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं मांगू तो मेरी नाक कटे। पहले के संत मांगते नहीं थे, तो ऋषिवर का कहना कि शिव जी अगर मुझे ऐसे ही दे दे तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मैं चाहता तो वो भंडार हूँ जो उनके पास में है, उनके अलावा किसी के पास में नहीं है, लेकिन ऋषिवर चाह रहे कि मैं मांगू नहीं, ये बिना मांगे दे दे। और भोले बाबा सोच रहे हैं कि मांगे तब मैं इन्हें प्रदान करूँ। शिव जी कह रहे कि कथा इतनी सुंदर सुनाई है तो उसके अनुरूप मैं इनको प्रदान करूं, और इन्होंने ठान लिया कि ये मांगेंगे, मैं नहीं मांगू तो बिना मांगे मुझे प्रदान कर दे। अब भगवान सोच रहा है कि मांगे तब दे, और भक्त सोच रहा है कि बिना मांगे दे दे तो काम चल जाए। लेकिन संत जी अगस्त ऋषि जी ने सोचा कि कहीं मैं मेरी अकड़ में रह जाऊं और ये कहीं पतली गली से निकल ना जाए,
तो मैं ऐसे ही लटका रह जाऊंगा कि मांगूंगा तब देंगे, मांगूंगा तब देंगे। तो इसीलिए कुछ ना कुछ उपाय सोचना चाहिए। तो महर्षि अगस्त्य जी ने उपाय सोचा कि किसी के घर में अगर जाए और अगर कोई चीज समझ में आ जाए, अच्छी लग जाए, तो डायरेक्ट मांगोगे तो नाक कटेगा। तो फिर क्या उपाय बताया, बोले उस चीज की प्रशंसा करना शुरू कर दो। वो जल पिलाए तब भी कहो कि ये चीज कहाँ से लाया, वो परिचय देगा से कि वहां से लाए, ऐसा लाए। फिर कहो कि अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया है। मैंने बार बार अगर वो बात को टाले भी तो बार बार कहो कि नहीं बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर कोई दानवीर होगा तब तो वो उतार के दे देगा कि भैया तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम अपने घर ले जाओ। लेकिन हाँ, अगर कंजूस के घर फंस गए तब तो भले ही वो चमड़ी उधेड़ दो लेकिन वो देने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था, गंगा के किनारे उसका निवास था, लेकिन कभी भी वो घर साथ में लेकर के जाओगे, सारे लोग बोल रहे हैं मर जाओगे, स्नान करके आ जाओ एक बार। तो उसने कहा चलो ठीक है, ये भी बार बार बोलती है, आज स्नान कर ही आते गंगा जी। तो फिर बाहर निकला और सोचा कि फिर भी मैं वाहन में बैठ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर किसी भी गाड़ी में बैठ करके जाऊंगा तो पैसा लगेगा और पैसा मैं खर्चा करना नहीं चाहता हूँ। तो 12 किलोमीटर गंगा जी ने दूर स्नान करने के लिए पैदल जाता है, और पैदल स्नान करके, स्नान करने जब गंगा जी के घाट पहुंचा तो गंगा जी के घाट पर कौन रहते हैं, पंडा जी लोग आदि लोग रहते हैं। तो स्नान करने के बाद नियम होता है कि इन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा देना पड़ता है। तो इसने सोचा कि अगर दूसरे घाट पर मैं जाऊंगा तो पंडा लोग परेशान करेंगे, तो ऐसे घाट पर जाऊं कि जहां मुझे एक रुपया भी दान ना करना पड़े। तो ऐसा घाट कौन सा है, तो उसने विचार किया कि ऐसा घाट तो मुर्दा घाट ही हो सकता है, वहां कोई नहीं रहेगा। तो ये मुर्दा घाट पर जब पहुंच जाता है स्नान करने के लिए, तो यहाँ मैदान साफ है, अब यहाँ मुर्दा घाट पे कब, यहाँ तो सीट किसी की घर से खाली होती है तब मुर्दा घाट की सीट भरती है। इसने कहा ठीक है यहीं पे स्नान किया जाएगा, यहाँ लफड़ा ही नहीं रहेगा। तो इसने जैसे ही गंगा जी में स्नान करने ये लगा तो श्री राम जी ने कहा कि एक नंबर का लोभी है, आज इसका मजा लिया जाए। एक डुबकी लगाई और जैसे ही दूसरी डुबकी इसने लगाई और डुबकी लगा के बाहर इसे देखा आंख उठा करके, तो सामने श्री राम जी पंडा जी का रूप बना करके खड़े थे। इसने कहा तुम कौन हो, तो राम जी जो पंडा बने ने कहा कि हम तो पंडा है। तो बोले तुम लोगों ने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा है, तुम्हारे लिए कारण तो मैं इस घाट पर आया हूं और तुम यहां पर भी आ गए मेरे पीछे पीछे। तो अब पंडा कोई साधारण तो थे नहीं, बोले महाराज हम तो बहुत संतोषी पंडा है, बहुत संतोषी ब्राह्मण है, ये हमारे हम इसी घाट पर रहते हैं। बोले अच्छा इस घाट पे क्या मिलता है, यहाँ तो कोई नहीं आता है। तो बोले आते हैं ना, आपके जैसे यजमान साल भर में एक बार आते हैं और इतना दे करके जाते हैं कि साल भर में हमारी पूर्ति हो जाती है।